अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की जो जॉब्स हैं, पाकिस्तान सिविल एविएशन की जॉब के मुताबिक मैं डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान सिविल एविएशन के मुताबिक आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो फ़ज़ाई आमदोरफ़्त है उसमें एक अहम किरदार अदा करता है। ये अदारा इस वक्त में पाकिस्तान सिविल एविएशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं, अप टू डाउन मैंने एक बार स्क्रॉल किया है वेबसाइट को। इस वेबसाइट में हमारे पास फर्दर जो जॉब अपॉर्चुनिटी का पोर्शन है वो यहाँ पर मौजूद होता है। यहाँ पर आपने आना है जॉब अपॉर्चुनिटी के ऊपर, और फर्दर मैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी नेक्स्ट टैब के अंदर मैंने ओपन किया हुआ है। इस टैब के अंदर फर्दर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास दो जॉब्स मौजूद हैं, जॉब 153 और 154, जिनका जॉब एडवर्टाइजमेंट में नंबर 04 है और 05/2022। ये दो जॉब्स पाकिस्तान सिविल एविएशन ने इस वक्त अनाउंस की हुई हैं। कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल इसमें अप्लाई करें, ठीक है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लास्ट डेट भी बताई हुई है कि इसकी लास्ट डेट जगह मई 2022 है, और जो फिफ्थ ये वाली जॉब है 5/2022, इसकी लास्ट डेट जो है 8 मई 2022 है, ठीक है? मैं बारी बारी दोनों वैकेंसीज को ओपन करके हम चेक करते हैं कि इस पर कौन सी वैकेंसीज हमारे पास मौजूद है। तो जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट 04/2022 है, इसमें हमारे पास जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स असिस्टेंट की जॉब है। SG05 इसका स्केल होगा, 13 इसके लिए पोस्ट रिक्वायर है, 13 पोस्ट उनको, 13 सीट्स मतलब उन्होंने अनाउंस किए इस बार। FSC प्री इंजीनियरिंग इसमें एजुकेशन होनी चाहिए, और उसमें मिनिमम 70% मार्क्स रिक्वायर, ठीक है? AJK में इसके जो कोटा या पे स्केल की हम बात करें तो जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है उसकी एक सीट होगी, जो बल्तिस्तान है उसकी भी एक सीट होगी, फाटा की दो सीट्स हैं इस वजह से, KPK की भी एक सीट है, पंजाब की 7 सीटें होंगी और सिंध रूलर की एक सीट होगी, ठीक है? इसके अलावा जो इनका पे का क्राइटेरिया है, तो वो उनको इनिशियली जो पे दी जाएगी वो 63,610 रुपये होगी, 63,610 रुपीज़ उनकी पे होगी, ठीक है? इसके अलावा मैक्सिमम जो एज का क्राइटेरिया है वो 23 ईयर एज होनी चाहिए, और एज में फर्दर रिलैक्सेशन भी मिल सकती है, जो कि फेडरल रूल्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के जो एज के जो रिलैक्सेशन के रूल्स हैं उसके मुताबिक, ठीक है? यहाँ पे फर्दर ये जो डिटेल्स हैं ये मैंने आपको फर्दर आगाह कर दी हैं, ठीक है? यही इनमें डिटेल्स वगैरह फ्राहम की गई थी। आपने बस फौरी तौर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन जॉब सबमिशन होता है, ठीक है? आपने ऑनलाइन इसको अप्लाई कर देना इस वेबसाइट के जरिए www.civilaviationauthority.caapakistan.com.pk, इसके जरिए आपने इसमें अप्लाई करना, ठीक है? मैं नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद हम इस पर भी चलते हैं कि इसमें हमने अप्लाई का प्रोसेस क्या होगा। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट हमारे पास 05/2022 है, इसको भी हम चेक करते हैं। इसमें हमारे पास जनाब पटवारी की जॉब है SG05, और इसमें 2 सीट्स रिक्वायर हैं इस बार, और इसके लिए इंटरमीडिएट विद सेकेंड डिवीजन होना लाजमी है, और इसके अलावा पटवारी कोर्स होता है, पटवार कोर्स को कहा जाता है, ठीक है? वो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं, और मिनिमम 5 ईयर ऑफ एज ऑफ एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, मतलब पटवारी में आपका फर्दर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पटवारी कोर्स करने के बाद, ठीक है? इसमें जो क्राइटेरिया है वो जो कोटा है सिंध रूलर के लिए है। दरअसल सिंध रूलर, अगर आपका डोमिसाइल सिंध रूलर का है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज का जो क्राइटेरिया है, मैक्सिमम 48 ईयर्स ऑफ एज इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको 48 यानी 48 साल आपकी कम से कम उम्र, या मैक्सिमम उम्र आपकी 48 साल होनी चाहिए, ठीक है? 63,610 रुपये इसकी इस वजह से मंथली पे होगी, मंथली जो तनख्वाह होगी 63,610 रुपये होगी। फर्दर इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें भी आपने जो अप्लाई करना है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करनी है, ठीक है? इसमें फर्दर कोई फीस वगैरह इस तरह से कुछ भी नहीं होता, बस आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है www.civilaviationauthority.pakistan.com.pk, ठीक है? लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। मैं फर्दर आपको बताता हूँ अप्लाई करने के लिए जिस पर हम प्रोसेस पे जाते हैं। ये इनिशियली आपके पास फॉर्म इस तरह से नहीं होगा, बल्कि इस तरह से आपके पास फॉर्म होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी का जो फॉर्म होगा, ठीक है? ये लिंक, इस लिंक पे जाके आपने अप्लाई करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आपने साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास थोड़े से क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, आपने अपना नाम लिख देना है, अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। ईमेल आईडी आपने वही लिखनी है जो कि आप यूज़ कर रहे हो, ताकि आपको इस वाले से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है? अगेन आपने ईमेल एंटर करनी है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। आपने अगेन अपना पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद फिर पासवर्ड एंटर करना है, और यहाँ पे जो
ये X9XP7 लिखा है, ये यहाँ पे आपने एंटर कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है, तो सामने आपको आपके फर्दर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, फादर नेम या फादर का CNSE से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, वो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है और यहाँ से आपका जॉब में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर जॉब में अप्लाई करने में कोई भी इशू आ रहा होगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना है, मैं आपको इस हवाले से इन्फॉर्म करूँगा और आपको फैसिलिटेट करूँगा अप्लाई करने में भी, ठीक है। मज़ीद इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है और मैं आपको डेली आपके लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब के मुताबिक आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा होता हूँ। तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ताकि आपका मेरे से रब्ता होता रहे और आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब को मिस ना करें और फौरी तौर पे आप अप्लाई करें और दी बेस्ट अपने फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन जारी रखें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।